life is a wonderful gift of God, a blessing, but not for all. It becomes difficult. People lose hope. But among this, there's a man, Dr. Rajendra Johar, who fought and made his own destiny. Shri Rajendra Johar, एक पढ़े लिखे इंसान, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में काम करते थे। अचानक रात को उनके घर में चोर आए। इस नौजवान ने उनसे ग्रैपल किया, उन्होंने गोलियां चलाई, एक गोली इनके कंधे के पास से निकल गई, दूसरी गोली इनके स्पाइन में लग गई। उस स्पाइन में लगी हुई गोली ने राजेंद्र जौहर की जिंदगी बदल दी। वो नीचे से यहां तक कंप्लीटली डिसेबल हो गए, केवल लेते ही रहे। अब राजेंद्र जौहर सोसाइटी पर, परिवार पर एक लायबिलिटी बन के रह गए। लेटे लेटे विचार करते करते दिमाग में आया कि मैं तो अपाहज हो ही गया हूं, क्यों ना कुछ अपाहजों की मैं सेवा करूं। जिनसे बात करी वो हंसे, खुद तो चारपाई पे लेटे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन टॉयलेट ले जाएगा या कैसे होगा, और चल पड़े हैं हैंडीकैप लोगों की मदद करने के लिए। जूं जूं लोग उनका मजाक उड़ाते गए, राजेंद्र जौहर अपने आप में सक्षम होते गए, दृढ़ होते गए, पक्के होते गए, और FOD का जन्म हुआ। I had always seen him struggling in his life, even physically. And then FOD was such a small organization, and he was the sole person responsible to meet every kind of cost, whether it is project-oriented or operational cost. So I had seen him struggling always. And one thing which I always have admired in him is the never-say-die attitude. I always take inspiration from him rather than keeping a role model outside our home. It's like 100% and constant source of inspiration for me. अंग्रेजी भाषा में विकलांगता पर हमने प्रथम मैगजीन भारत को देने में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। He's been the spirit of the magazine since its inception. He was bedridden when the magazine was started, and from his bed itself, the magazine was dictated out to two people at that time, and it used to be handwritten most of the time. It used to be handwritten, and then it was sent to the press, and it used to take 6 months. To come out with an edition which was almost 24 pages, and at that time it didn't even have a cover, so to start with, that's how Dr. Johar started this magazine basically. And over the years that magazine has developed like this. Now we are covering international topics also, and the magazine is now turned into a color magazine, and it comes out in glossy format. एड्स एंड अप्लायंसेज अपने मित्र संस्थाओं की मदद से मिलके फ्री में देना शुरू कर दिया। अब तो हम लोग समय समय पे 10 के ग्रुप को, 20 के ग्रुप को, 30 के ग्रुप को एक साथ ये एड्स एंड अप्लायंस देने में मतलब कि लोगों से सहयोग लेके कामयाब हो जाते हैं। प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि लोगों से अपील करी कि भाई आप अपने घर के जो पुराने न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, स्टेशनरी है, वो हमको दे दिया करिए, अपना वेस्ट पेपर हमको दे देती है जिसको खुले बाजार में बेच देते हैं। डॉक्टर जौहर फेल्ट दैट इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस इज इम्परेटिव टू डिसेबल्ड पीपल एम्पावरमेंट एंड सेट अप द अपना रोजगार स्कीम। डॉक्टर जौहर जी के पास गए हुए थे, तो उन्होंने मतलब उनका अपना समस्या बताया, उनसे मतलब तो इन्होंने सामान सब दिए खरीद करके, और इसी से है अपने बाल बच्चे किसी तरह से गुजारा बसर कर रहा हूँ। उनका बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ।
This scheme not only provides seed money, but also teaches them how to run the business and maintain accounts. मुझे बचपन से पोलियो है और मैं किसी के थ्रू जॉर्ज साहब से मिला जिन्होंने मेरा काम खुलवाने में बहुत मदद करी मेरी तो मैं जॉर्ज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज आप अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ मैं अपना रोजगार खुद चला सकता हूँ So far, 511 individuals in and around Delhi have been benefited from this endeavor. That's not an end to his services for the disabled fraternity. किस तरह से सहयोग कर सकते हैं विकलांग स्टूडेंट्स का या ऐसे बच्चों का कि जो कि विकलांग माता पिता की संतान है और पढ़ने में उनको रुचि है लेकिन धन के अभाव में या नहीं पढ़ पा रहे या इस तरह से कोई कष्ट है उनको पढ़ाई में तब हम लोगों ने ये ज्ञानपथ नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इट स्पॉन्सर्स द एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और वार्ड्स ऑफ द डिसेबल्ड पेरेंट्स मेरा नाम अमरजीत सिंह है मैं सातवीं क्लास में पढ़ता हूँ गोल कृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ जिंदर अंकल ने मेरी एजुकेशन के लिए हेल्प की है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ Beyond Limits, an exhibition of paintings is organized every year. It showcases the outstanding artworks of people with disabilities from different parts of India and provides them a platform to reach out to a wider audience. Beyond Limits naam ki एक एग्जीबिशन लॉन्च करने का विचार आया तो 2001 से लेके अब तक हम लोग लगभग हर साल लगाते रहे 6 एग्जीबिशन हम लोग लगा चुके और अभी सातवीं एग्जीबिशन 2010 में आ रही है डॉक्टर राजेंद्र जौहर सर्विसेज फॉर द डिसेबल्ड फ्रेटर्निटी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन FOD इनिशिएटिव्स हैव रिसीव्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम नोबल सोल्स लाइक मदर टेरेसा एंड बाबा आमटे They have also received awards like National Award, Red and White Bravery Award, CNN IBN Citizen Journalist Award. Dr. Johar's zeal and determination made him do impossible possible. A family man who believes that when going gets tough, tough gets going.